कि शुभमन गिल की जगह नंबर तीन पर कौन आएगा। देखो अभी इंडिया के अंदर जो सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां पर विराट कोहली ने नंबर तीन पर बैटिंग की थी, एज अ सीनियर प्लेयर उन्होंने जिम्मेदारी लेना समझा और वो तीन नंबर खेल रहे थे। बिल्कुल। तो यहां पे अब देखने की बात यह है कि शुभमन गिल जो है वो जब अवेलेबल नहीं होंगे तो उनकी जगह पर कौन होगा। अभिमन्यु ईश्वरन की जहां तक हम बात कर ले तो अभिमन्यु ईश्वरन ने उस तरीके से बैटिंग नहीं की है, ओपनिंग करने में उस तरीके से भरोसा नहीं है उनके ऊपर। किस तरीके से अभिमन्यु ईश्वरन पे क्या टीम मैनेजमेंट को वो भरोसा है कि ईश्वरन ओपन करेंगे, अभिमन्यु ईश्वरन क्या ओपन करेंगे, क्योंकि अगर वो ओपन करेंगे तो केएल राहुल नंबर तीन खेल सकते हैं। शुभमन गिल नहीं होंगे तो उनकी जगह पर कौन होगा। देखो ओपनिंग के लिए तो हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है जी, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, अभिमन्यु ईश्वरन या फिर केएल राहुल। केएल राहुल इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस वो आके ओपनिंग पोजिशन संभाल लेंगे। बात तो ये भी हो रही थी कि शुभमन गिल से ओपन करवा लो अगर आपको केएल राहुल पे भरोसा नहीं आ रहा और मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह से छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन अब तो शुभमन गिल भी नहीं है और शुभमन गिल की जगह पे तीन नंबर कौन खेलेगा। विराट कोहली एट नंबर फोर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत रन उन्होंने मारे हैं नंबर चार की पोजीशन पे, तो क्या विराट कोहली की जगह के साथ ऊपर नीचे किया जाएगा वहां पे, कौन करेगा भाई नंबर तीन पे बल्लेबाजी दुबे जी। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और नंबर कौन लेगा, किसको रोकोगे भाई। भाई ये जो थंब फ्रैक्चर हुआ ये ऐसा नहीं है ना कि आपका हो सकता है कि एक मैच में ठीक हो जाए, कई बार ऐसा होता है जैसा बताया भी यहाँ पे पांडे जी ने कि ग्रेड टू या फिर ग्रेड थ्री का है तो वैसे में आपको कई महीने लग जाते हैं, मतलब लगभग एक आध महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। तो ऐसी भी चांसेस है कि जो डे नाइट मैच की हम बात कर रहे थे एडिलेड में या फिर उसके बाद की भी, वहां पे भी डगमगा सकती है इंडिया की बैटिंग लाइनअप अगर शुभमन गिल वहां पे ना रहे तो। और जैसा आप बोल रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि साई सुदर्शन के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि साई सुदर्शन ने ओपन करते हुए वहां पे सेंचुरी भी मारी हुई है और साई सुदर्शन जिस तरीके से जिस टच में दिखे जिस फॉर्म में दिखे इंडिया ए के लिए खेलते हुए, तो शायद हो सकता है कि परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा पर कहीं ना कहीं एक हिसाब से मतलब यहां पे जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि ध्रुव जुरेल तो आप लेके आ रहे हो टीम में, ध्रुव जुरेल एज अ बैटर खेले एज अ विकेट कीपर खेले जो भी आपका वो आपके मर्जी है आप उनको खिलाना चाहते हो। तीन नंबर पे साई सुदर्शन ये इन प्लेस ऑफ शुभमन गिल आई थिंक ही विल बी द बेस्ट ऑप्शन हियर। सुदर्शन तो आपके स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। देखो सुदर्शन को आपने रोका है लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट आई नहीं, ऑफिशियल नहीं हुआ कि सुदर्शन को आपने स्क्वाड में ऐड कर लिया, वो भी हो जाएगा। उसके लिए पहले ऑफिशियल अपडेट आनी जरूरी है कि सुदर्शन को इंडियन टीम मैनेजमेंट ने स्क्वाड में ऐड कर लिया है। अभी देवदत्त पड्डीकल और साई सुदर्शन को रोका गया है, लास्ट मोमेंट ऐड कर सकते हैं टीम के अंदर और फिर वो 11 में खेल सकते हैं। देखो केएल राहुल की जहां तक बात है, रोहित शर्मा पर भी एक लेटेस्ट अपडेट आई थी जो उन्होंने कहीं ना कहीं कंफर्मेशन जो है बीसीसीआई को दे दी है कि पहले टेस्ट मैच के लिए शायद वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो रोहित शर्मा नहीं होंगे तो कप्तानी जसप्रीत बुमराह करेंगे। रोहित शर्मा की जगह मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि बीइंग अ सीनियर प्लेयर केएल राहुल को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एज एन ओपनर। अब ऐसे में शुभमन गिल नहीं होंगे तो नंबर तीन का स्पॉट क्या विराट आएंगे बैटिंग करने और उसके बाद ध्रुव जुरेल सरफराज खान सारे खेलेंगे आपके बैटिंग ऑर्डर में, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन ओपन करेंगे जायसवाल के साथ, केएल राहुल नंबर तीन खेलेंगे। भाई बहुत सारे सवाल हैं यहां पर इंडियन टीम मैनेजमेंट के सामने, कैसे यहां पर पर्थ टेस्ट मैच को टीम इंडिया यहां पर लेकर चलेगी, अप्रोच क्या करेगी, किसको खिलाएगी, किसको बाहर करेगी, कौन ऐड होगा, सुदर्शन देवदत्त पड्डीकल। देखने वाली बात यह होगी यहां पर कि इनमें से किन प्लेयरों को वहां पर टीम में शामिल किया जाता है लास्ट मोमेंट पे। लेकिन दोस्तों अभी के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही थी कि शुभमन गिल हैज बीन ऑफिशियली रूल्ड आउट ऑफ द पर्थ टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच में वहां पर शुभमन गिल अवेलेबल नहीं होंगे। अब कौन खेलेगा शुभमन गिल की जगह, कैसे होगी वहां पर रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। हाँ जी ठीक है, शुभमन गिल वहां पे किस तरीके से सामना करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दुबे जी आपसे मैं पूछता हूं, आप बताइए, आपके आपसे अगर मैं पूछूं कि शुभमन गिल की जगह कौन, तीन नंबर पे कौन, आपने साई सुदर्शन बोला, अभी इन्होंने साई सुदर्शन को ऐड नहीं किया है, स्क्वाड में ऐड नहीं किया है, ऐड नहीं किया है, तो अभी तो आप ये लेकर नहीं चल सकते कि सुदर्शन खेल जाएगा नंबर तीन पे। जब तक आप स्क्वाड में ऑफिशियली अपडेट नहीं करते कि सुदर्शन ऐड हो चुके हैं तब आप बोल सकते हो कि सुदर्शन अभी तो है नहीं, अभी तो आपने बस रोका हुआ है कि हाँ जी आप रुक जाएं यहाँ पे। देखिए तो फिर यही हो सकता है कि आप वहां पे अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ओपनिंग करवाएं, तीन नंबर पे केएल राहुल है और चार नंबर पे विराट कोहली, क्योंकि चार नंबर पे विराट कोहली का जगह से विराट कोहली की जो पोजीशन है उसे छेड़छाड़ करना बनता नहीं है। जिस तरीके से विराट के स्टैट्स भी ऑस्ट्रेलिया में वो जो 54 की एवरेज हमने देखी है, लगभग 6 शतक देखी है, वो चार नंबर पे बैटिंग करते हुए आई है। अब क्या पता आप वहां पे विराट की जो
ऑर्डर है उसको ऊपर कर देते हो, वहां पे विराट के बल्ले से परफॉर्मेंस भी आना बंद हो जाता जो आ सकता था। तो ऐसे में विराट के पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करना मुझे तो नहीं लग रहा है सही है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें आपके बैटिंग ऑर्डर को सिर्फ एक ही बाहुबली बन के वहां पे संभाल सकते हैं, वो है विराट कोहली। अब सब कुछ यहां पे विराट कोहली के कंधों पे वापस से डिपेंडेंट हो चुका है। रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल रूल्ड आउट हो चुके हैं, केएल राहुल फॉर्म में नहीं है। उस हिसाब से अगर आप देखो जो आपका जो लोअर डाउन दी ऑर्डर आने वाले हैं आपके लिए, इस बार अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा नहीं रहेंगे, आपके साथ कौन रहेंगे, ध्रुव जुरेल रहेंगे, सरफराज खान रहेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे, जड्डू और अश्विन फिर वो लोअर डाउन दी ऑर्डर आ जाएंगे। तो ऐसे में जो पूरी बैटिंग ऑर्डर है ना आपकी, वो केवल एक बंदे के कंधे पर टिकी हुई है और उसका नाम है विराट कोहली। और विराट कोहली की पोजीशन से अगर आप ऊपर नीचे कुछ कर देते हो, छेड़छाड़ कर देते हो और वहां पे फिर विराट के बल्ले से भी रन नहीं आती है, तो फिर कहीं ना कहीं पहला टेस्ट मैच तो आप समझ लीजिए पांडे जी कि आपके हाथ से बहुत दूर चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन, जैसे हेड कोच ने कहा भी था गौतम गंभीर, जब उनसे पूछा गया था कि हमारे पास अभिमन्यु ईश्वरन है जिनको हमने तैयार कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे तैयार करने की, पता नहीं वो सफल हुए या नहीं हुए क्योंकि परफॉर्मेंस देख के तो सफल नहीं हुए हैं।